एक एलईडी इमरजेंसी लाइट है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये जलाने के बाद देखिए ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले। सबसे पहले बैटरी को चेक कर लेते हैं, बैटरी में 6 वोल्ट है या नहीं। तो मीटर को 20 वोल्ट के रेंज में लगाएंगे और यहाँ ये प्लस और माइनस को चेक करेंगे, 5.57 वोल्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम है। इसको हम लोग जला के देखते हैं। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज कितना है। अभी मैंने इसका बैटरी को खोल के अलग कर दिया है, उसे चार्ज करके देख लेते हैं कि बैटरी चार्ज सही होता है या नहीं, ठीक है। और इसे अभी एक एडेप्टर से लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं, या तो बैटरी से ही लगा के चेक करते हैं अभी चार्ज होने के बाद, ठीक है। तो अभी बैटरी चार्ज हो रहा है, ये अभी मैंने चार्ज में इसको लगा दिया है। चार्ज होने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे। तब तक मैं इसका चार्जिंग सेक्शन को देख लेता हूँ कि ये चार्ज वोल्टेज निकाल रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें पावर केबल लगा देते हैं। ये देखिए पावर केबल का ये है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं 6 वोल्ट आ रहा है या नहीं। ये माइनस है और ये प्लस,
शायद ये लूज कांटेक्ट है, उसकी वजह से भी नहीं हो रहा होगा ये चार्ज बैटरी। देखिए ये हिलाने से इसमें वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। तो अभी ये पावर सेक्शन को खोल के देख लेते हैं कहीं से लूज कनेक्शन तो नहीं है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे ताकि डिसोल्ड अगर हो तो फिर अच्छी तरह से वो सोल्ड हो जाए, ठीक है। और फिर से चेक कर लेंगे। प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे शो होना चाहिए तो समझिए ठीक है। देखिए वोल्टेज सही शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम चार्जिंग वाला जो पॉइंट है इसमें इसको डाल कर देखते हैं। अब इस जगह वोल्टेज को चेक कर लेंगे। माइनस को माइनस में प्लस को प्लस में, देखिए वोल्टेज ठीक है 7.71, ठीक है वोल्टेज सही शो कर रहा है। अब इससे थोड़ा सा लूज कॉन्टेक्ट होगा तो यहाँ पे छू के देख लेंगे, ठीक है लूज कॉन्टेक्ट नहीं है। अब इसे चार्ज में लगा कर देखते हैं, ठीक है। अब बैटरी टर्मिनल को भी थोड़ा सा साफ करके इसका कनेक्टर को लगा देते हैं। ब्लैक वाले को माइनस वाले प्रोब पे लगाएंगे। और इसे
रेड वाले में लगाएंगे। अब इसको हम जला कर देखते हैं, लाइन काटेंगे तभी जलेगा। ठीक है, प्लग को निकालेंगे तो ये जल गया, और जैसे ही लाइन देंगे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, लूज कांटेक्ट ना हो इसके लिए इस बैटरी में हम लोग को सोल्ड मारना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने हार्ड चार्जिंग किया इसलिए ये जल रहा। ठीक है, और बैटरी भी थोड़ा विक हो गया, तो इस बैटरी को हम लोग पहले बदल देंगे और फिर उसके बाद सोल्डिंग करेंगे।